बैक टू माई चैनल, मेरा नाम अभिषेक रॉय और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसका हॉस्टल, जो बॉयज़ हॉस्टल स्पेशली द यूजी बॉयज़ हॉस्टल है उसका मैं पूरा वर्क अराउंड देने वाला हूँ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि रूम्स यहाँ पे कैसे होते हैं, फूडिंग फैसिलिटी कैसा है, यहाँ का मेस कैसा है, मैं टॉयलेट्स कैसे हैं, मैं हर चीज़ कवर करूँगा इस वीडियो में। तो देखिए मेरे साथ, चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले मेरा रूम दिखाता हूँ कि कैसा है। ये मेरा रूम है, दिस बी 13। तो चलो चलते हैं अंदर। रूम कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपको दो कपबोर्ड मिलेंगे। एक्चुअली ये रूम दो लोगों के लिए बनाया गया, दिस इज द फर्स्ट कपबोर्ड, दिस इज सेकंड कपबोर्ड, और यहाँ पे एक बेड है। अभी तो मैं सिंगल ही रह रहा हूँ तो इसलिए एक ही है, आप देख सकते हैं। और इधर जाने के बाद आपको दिखेगा बाहर का रोड। ये हमारा जिमनेशियम, ये जिमनेशियम है, और ये जो वाला रोड है इधर से हम कॉलेज से हॉस्टल आते हैं, वो अपना कॉलेज है। और बताया तो यहाँ पे तीन टाइप का रूम है, एक जो सिंगल रहते हैं, मैं फोर्थ ईयर में हूँ इसलिए मेरे को सिंगल रूम मिल गया है, और दूसरा रूम आपको दिखाता हूँ जो सेम ही रूम है उसमें डबल रहते हैं लोग, और तीसरा रूम है जो नया ब्लॉक बना है, जो नया बिल्डिंग बना है उसका रूम भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा आपको। आप अभी मैं ये तो रूम मैंने आपने देख लिया है कि ये वाला सिंगल रूम है, और जो दूसरा रूम है जिसमें सेम ही रूम है जिसमें दो लोग रहते हैं। और अब इफ़ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट ईयर ब्लॉक, जहाँ पे फर्स्ट ईयर लोग रहते हैं उनका भी सेम ही रूम होगा, ऐसे ही रूम होगा, उस रूम में दो रहेंगे। तो अभी मैं आपको दूसरा रूम में जो मेरा दोस्त का रूम है उसमें ले जाता हूँ और दिखाता हूँ कि दो लोग एक रूम में कैसे रहते हैं। चलिए चलते हैं वहाँ पे। मेरा रूम जस्ट अपोजिट टू माई रूम, मेरा दोस्त का रूम है, जो लोग एक साथ रहते हैं दो लोग, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि दो लोग जब एक साथ रहते हैं तो कैसा होता है रूम का। चलिए चलते हैं। एंड दिस इज द रूम, चलो चलते हैं अंदर। कहाँ है दो इंसान, इधर इधर देखिए भाई, ये पढ़ रहा है पापा ही, नकली पढ़ना, और इधर इधर ब्लॉग ब्लॉग देख रहे हैं नोमेड शुभम का ब्लॉग, और पीछे है इंडियन फ्लैग जो अभी ब्लॉग के लिए लगाया गया है बहुत सही से, अभी चिपकाया गया है इसको, और देखिए इन्होंने बहुत ही सही से अपना टेबल अरेंज किया है, लाइट वाइट लगे, और पापाई तो हद से ज्यादा पड़ रहा है। नहीं ये पापाई का ये डेकोरेशन है मंकी वाला फेस वाला, और ये आप लोग बेड देख सकते हैं कि कितने सही से अरेंज किया है, और ये है पापाई का पिलो जो यहाँ पे ब्रो एंड मी पता नहीं क्या लिखा है लेकिन बहुत सही लिखा है, और यहाँ पे दो कपबोर्ड है, और देख सकते हैं रूम कुछ ऐसा लगता है जब दो लोग एक रूम में रहते हैं। ये देखिए, और दूसरा भांडा फोड़ दिया है रूममेट ने, आईएस का प्रिपरेशन चुपके चुपके हो रहा था यहाँ पे, पूरा झूठ है ये जो बोल रहे हैं, मस्ती कर रहे से पहले से ही लगा हुआ था, जो सीनियर था उसने सब करके गया था, ऐसा है तो हाँ सीनियर भी अपना आईएस बन गया है, जूनियर भी बन जाएगा, और दूसरे पर वाला बनेगा। और अभी हम जा रहे हैं तीसरे रूम में जो नया ब्लॉग वाला रूम है, उसमें सारे रूम्स नए हैं, सारे रूम फ्रेश है, तो वहाँ पे एक दोस्त उसको फोन करता हूँ कि उसने खुद का रूम साफ किया है कि नहीं, क्योंकि बिना साफ किए तो रूम में घुसने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, सब भांडा फूट जाएगा कि बॉयज हॉस्टल में बॉयज कैसे रहते हैं। इधर देखिए रूम कितना सही से मेंटेन किया रखा है, लेकिन ये सिर्फ पूरा ब्लॉगिंग के लिए है। देखिए फोन करते हैं रूम साफ है कि नहीं, देखते हैं, फोन ही नहीं उठा रहे, पता नहीं शायद बिजी होगा किसी के साथ कर रहे ओए रूम साफ से, अभी दो मिनट मांग रहा है, दो मिनट का मोहलत मांग रहा है भाई अपना, ठीक है दो मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे उसके रूम पे। तो डायरेक्टली चलते हैं उसके रूम में और देखते हैं कि उसने क्या अरेंजमेंट किया हमारे ब्लॉक के लिए। चलिए और हम नया वाला ब्लॉक में जा रहे हैं जो ऊपर है, चलिए देखते हैं। और ये वाला जो ब्लॉक है ये नया वाला है, अशांता का रूम एकदम लास्ट में है, तो चलिए अशांता के रूम में और देखते हैं कि क्या कर रहा है वो। ये है नया वाला ब्लॉक, और ये वाला दोस्त का रूम, ये देखिए ब्लॉक के लिए क्या क्या लगाया है भाई ने, चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए भाई पढ़ रहे हैं हाँ बहुत ही, और इधर से व्यू आपको दिखाता हूँ जो पहला चीज़ है, ये अपना हॉस्टल का ग्राउंड है, वहाँ पे वॉलीबॉल कोर्ट है, वहाँ पे मैस है जो मैं आपको ले जाऊँगा, और इधर से देख सकते हैं व्यू कुछ ऐसा है,
वो वाले हमारे रूम है। और देखिए ये नए रूम्स है, यहाँ पे अभी तक कपबोर्ड नहीं लगाया है क्योंकि उधर तो एक रूम खत्म भी नहीं हुआ काम, और बहुत ही फ्रेश रूम है आप देख सकते हैं। इसको भी देखिए, इस फ्रेश रूम का जो ओनर है उसे ऐसा दिखता है। ठीक है, तो आपको मैं अभी दिखाता हूँ जो मेस है, मेस में कैसा खाना है। खाना तो नहीं दिखा सकता आपको, मतलब मेस में जाके दिखाता हूँ कि मेस कैसा है और आपको क्या क्या मिलेगा मेस में, और आपको टॉयलेट भी दिखाऊंगा फॉर श्योर। तो चलिए मेस पे चलते हैं। अभी आपको भी टॉयलेट भी दिखाता हूँ, ये टॉयलेट है नया ब्लॉक का जहाँ भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और आपको मैं दिखाऊंगा पुराने वाले जो है उसके टॉयलेट्स कैसे हैं। चलिए ब्लॉक से आगे, देखिए नया ब्लॉक 5-star होटल की तरह लग रहा है। और इधर से आते ही ये वाला हमारा सेकंड टॉयलेट है, टॉयलेट को जैसे देख लें यहाँ पे पानी अटका हुआ है, देखिए यहाँ पे नहाने का जगह है और यहाँ पे पॉटी करने का जगह है। चलिए थोड़ा टॉयलेट दिखाते दिखाते आपको मेस में भी ले जाते हैं। चलो अभिजीत, ये है हमारा मेस जो सामने जाके आपको दिखाऊंगा मैं। मेस कुछ ऐसा दिखता है, इधर से एंट्री है और मेस कुछ ऐसा दिखता है। इधर आपको खाना मिलेगा, ये जो जगह है इस टेबल पे चावल रहता है, वहाँ से आपको चावल लेना पड़ेगा। और आज रात को है बड़ा खाना, जो महीने का एक बहुत ही बड़ा पार्टी होता है इस होस्टल का, तो वहाँ पे बहुत सारे चिकन, बीफ, फिर पोर्क, फिर फिश, अंडा, सब कुछ होएगा। फॉर वेज लोगों को लेकिन पनीर होएगा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आपको। मैं रात को भी खाने का ट्राई करूँगा कि बड़े खाने में क्या क्या दिया है वो लोग और बड़ा खाना कैसा दिखता है। ठीक है, अब देख सकते उधर अंदर अंदर खाना बनता है, उधर किचन वगैरह है, उधर वॉशिंग वगैरह है, इधर वाटर टैप है, लेकिन वाटर टैप हम लोग तो यूज़ नहीं करते क्योंकि पानी विश्वास नहीं है, ऐसा ही पानी देता है, बहुत हॉस्टल है ना, बहुत ही विश्वास नहीं कर सकते। फिर आता है ये हम लोगों का हॉस्टल का प्ले ग्राउंड, यहाँ पे वॉलीबॉल कोर्ट है आप देख सकते हैं। और ये वो वाला ब्लॉक है जहाँ से मैं अभी आया था, वो वाला रूम है, आपको देख सकते हैं खुला है। और इधर से है एंट्री हॉस्टल का, देखिए। और वो वाला जो ब्लॉक है वो अभी ऐसे काम नहीं करता क्योंकि पहले वो काम करते, पहले वहाँ पे लोग रहते थे ये देख सकते, लेकिन अब यही लोग ऊपर शिफ्ट हो गए क्योंकि यहाँ पे पानी का लीकेज होता है, बहुत ही प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए अभी वो सब बंद है। नाउ आई विल शो यू कि रात का खाना कैसा होता है, बड़ा खाना कैसा होता है। और चलिए डिस्कस करते हैं कि फूडिंग के बारे में, कि खाना कितना टाइम मिलता है, खाना कैसा है। चलिए, एक्चुअली खाना आपको 3 टाइम मिलेगा। सुबह को मिलेगा 8 बजे ब्रेकफास्ट होता है, 12:30 बजे फिर से लंच होता है, फिर रात के 7 बजे डिनर हो जाता है। यहाँ पे दिन में 3 बार और 2 बार चावल मिलेगा। और सुबह के ब्रेकफास्ट में आपको मिलेगा पोहा, फिर सूजी का जो हलवा बनता है वो मिलेगा, और चाउमीन मिलेगा, और तीनों को ही हफ्ते में 7 दिन रिपीट होता है। और उसके साथ आपका जो दोपहर का खाना है उसमें काबुली चना है, फिर नॉर्मल जो चिकपी होता है वो चना है, फिर आपको मिलता है दाल मिलता है, फिर आपका आलू की सब्जी मिलती है, फिर सोयाबीन मिलता है, और एक यहाँ का लोकल फूड है उसको ऊटी बोलते हैं, वो मिलता है, वो भी चना के साथ ही बनाया जाता है। तो वही बार बार रिपीट होता है, हफ्ते में 7 बार रिपीट होता है। और सुबह आपको कभी नॉनवेज नहीं मिलेगा, सुबह हर टाइम वेज मिलेगा। और उसके साथ मिलता है आपको 3-3 पापड़ हर टाइम के लिए। और अगर हम रात के बारे में बात करें, डिनर के बारे में, तो हफ्ते में 4 दिन आपको नॉनवेज मिलेगा और 3 दिन आपको वेज मिलेगा। तो 3 दिन वो जो वेज मिलता है उसमें से 1-2 दिन चिकन मिलेगा, 1 दिन फिश मिलेगा, 1 दिन अंडा या कुछ मिल जाएगा आपको, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे एक बड़ी बात है कि यहाँ पे रोटी नहीं मिलती, आपको चावल ही मिलेगा। जो लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं जिनको रोटी की आदत है, रोटी उनका स्टेपल फूड है, लेकिन यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि ऐसा होता है हर बार फर्स्ट ईयर जब आते हैं तब रोटी बनाना शुरू होते हैं, नया नया रेगुलेशन आता है कि वी हैव टू प्रिपेयर रोटी, पर आफ्टर 1 महीने के बाद वो बंद हो जाता है क्योंकि रोटी कोई नहीं बनाना चाहता। ये मणिपुर है और यहाँ पे हर लोग चावल ही खाते हैं, तो जो लोग कुक है वो लोग भी नहीं बनाते हैं, मेस मैनेजर्स को बनाना पड़ता है और दे आर नॉट विलिंग टू मेक रोटीज, तो इसीलिए रोटी बंद हो जाता है, उसका कोई प्रॉब्लम है। आपको मैं रुकी आपको मैं दोपहर का खाना दिखाता हूँ जो मैं अभी लाया हूँ कि कैसा है खाना। यू कैन सी खाना कुछ ऐसा है, आपको कबली चना मिलेगा, इसके साथ नॉर्मल दाल मिलेगा और पापड़ और चावल ही मिलेगा, आपको रोटी वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। और ये आचार मेरा खुद का है, लेके जा रहा हूँ एक ऐसे टॉयलेट में जो हम यूज़ करते हैं, हमारे ब्लॉक का टॉयलेट है, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है हमारे ब्लॉक का वॉशरूम।
इधर से ऐसे यहाँ पे बाथरूम तो सारे काम करते हैं, लेकिन इनमें से सब वही लास्ट वाला काम करता है, एक भी वॉशरूम काम नहीं करता। अब देख सकते ये वाला भी काम करता है, बहुत ही गंदा लग रहा है पता है। तो अभी रात का जो मेस का है वो आपको दिखाएंगे, उसके बाद हम एंड करेंगे ब्लॉग को। चलिए अभी बड़ा खाना शुरू हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ बड़ा खाना का क्या सीन चल रहा है उधर मेस में, क्या हो रहा है मैं आपको जरूर दिखाता हूँ उड़के, और क्या क्या खाने में क्या क्या मिलता है मैं आपको सब डिटेल्स में दिखाऊंगा। देख सकते हैं बड़ा खाना के लिए लोग अभी वेट कर रहे हैं, यहाँ पे अभी लाइन लगेगा फिर हम लोग अंदर जाएंगे, तो अंदर जाके जो भी होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा बड़ा खाने का खाना, यहाँ पे है पोर्क, यहाँ पे चिकन, यहाँ पे सैलेड देख सकते हैं, समोसा है, ये अंडा है, फिर कस्टर्ड, फिर इधर बर्फी वगैरह है, कोई केला वगैरह इधर, और एक चिकन है। तो ये मिलता है बड़े खाने के खाने में। और अकॉर्डिंग टू मी मैंने सब कुछ कवर कर दिया इस ब्लॉग में हॉस्टल के पूरा बारे में, सिर्फ एक ही चीज़ कवर करना भूल गया था, मेस फी के बारे में, हुआ 2150 रुपीज। अगर कोई भी पार्ट बाकी रह गया हो तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। टिल देन गुड बाय, और मिलते हैं किसी ऐसे नए ब्लॉग में।